बताओ ऐसा बता रहे हो ऐसे यहाँ फ्री में ऐसे बांटेंगे तो फ्री में क्या है, फ्री वाला निशुल्क है ही नहीं तो दोबारा फोन करें। यही चीज एक घंटा से बता रहा है आपका, अभी लगा एक घंटे बाद लगा, अब लाइन पे बने रहिए सर, आपके लिए एम्बुलेंस सर्च की जा रही है जी। और जगह जाओगे तो ये भी बताओगे कि दवा खत्म हो गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं ए फोर अवध के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत बड़ी बात जो पशु के लिए है, और पशु के लिए हेल्पलाइन नंबर काफ़ी देर से हम मिला रहे हैं, लग नहीं रहा है हम तो आपके सामने हम मिलाते हैं, देखिएगा लगता है कि नहीं लगता है। और यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं सुहावल ढेमुआ देखे होंगे बहुत लोग, सुहावल ढेमुआ जब जाते हैं तो एक पड़ेगा रामलीला मैदान के पास एक जानवर है काफ़ी दो चार दिन से है परेशान, और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जैसे ये बैठी थी फिर खड़ी थी फिर बैठी थी फिर खड़ी थी, और जो पशु गाय की जो बीमारी चली है वो रियल बीमारी यही है, देखिएगा जिस तरह जूम करके दिखाइएगा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा जो पशु पशु के लिए काफ़ी विचलित वाली बात है, जिस तरह गाय बीमार है हम नंबर मिला रहे हैं, देखिएगा एक नंबर है 1800180541, इस पर मिलाए थे, इस पर कोई सूचना नहीं ना कोई फ़ोन रिसीव हुआ, और एक है 1962 पे फ़ोन मिलाया, इस पर भी कोई कॉल नहीं रिसीव हुआ। देखते हैं ये वाला जो गूगल पे हमने निकाला था, सबको पता होगा 1800180541, देखिएगा आपके द्वारा कॉल किए गए उपभोक्ता अभी व्यस्त हैं, कृपया लाइन पे बने रहें या दोबारा फोन करें। सब्सक्राइबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी, यही चीज यही चीज़ एक घंटा से बता रहा है, अभी कोई रिसीव फोन नहीं हुआ है। एक और मिला रहे हैं गूगल के माध्यम से, जो एक और है 1962, इस पर मिलाते हैं, देखिएगा अभी लगा, अब लगा। सर नमस्ते, थोड़ा आ गई सर, नाम बताइए सर, आप पशु से हेल्पलाइन नंबर मिला है तो सर ये यहाँ पर सुहावल चौराहा पे जाने वाला जो ढेमुआ मार्ग है, यहाँ पर एक गाय बहुत बीमार है, जो गाय के मामले में एक बीमारी चली है जी। हाँ तो आवारा पशु है, ये आवारा पशु है सर, आप इस पर जब तक हम डॉक्टर भी नहीं आते हैं जी, जब तक हमारे डॉक्टर जी नहीं आते हैं तब तक आपको पशु को एक जगह रखना होगा, तो सर डॉक्टर जी आएंगे तो आपको डॉक्टर की हेल्प करानी होगी। कितना टाइम लगेगा सर? सर डॉक्टर जी हमारे आने के पहले आपको कॉल कर लेंगे। अरे कितने देर बाद फोन मिला है सर? फोन तो जिला अयोध्या है। ब्लॉक बताइए। ब्लॉक ये सुहावल रौना ही। गाँव क्या है सर? गांव बेनीपुर है, एक छोटा सा मैदान है। पशु सर जहाँ पे पशु है उस गांव का नाम है? जहाँ पशु है ग्राम बेनीपुर है, सुहावल रौनाही ग्राम बेनीपुर, छोटा सा बेनीपुर एक गांव है, रामलीला मैदान है वहीं पर है। गाय की उम्र लगभग कितनी होगी? गाय की उम्र सर हम नहीं बता सकते क्योंकि ये छोटा है तो मेरा है नहीं कि लगभग, अगर हम बता सकते हैं तो इसके कितने साल की होगी? चार बेद की होगी। कितने साल की होगी साल बताइए? 5-6 साल के हुए, काफ़ी लाचार लग रही है जिस तरह हम देख रहे हैं। हाँ हेलो सर, हेलो तो सर कितने देर में आएंगे? जिस तरह काफ़ी बीमार लग रही है हमारे समझ से, अगर कोशिश करिएगा जल्दी आ जाइएगा। बिल्ला उल्ला कोई नहीं लगा है सर, ये छुट्टा है बस एक है, उसमें एक वो लगा है क्या कहते हैं गटहला लगा है, कोई बांधे था पहले अब छोड़ दिए हैं, अब पता नहीं किसने बांधा किसने नहीं बांधा ये हमें नहीं सूचना है। तो सर ये रामलीला मैदान जो है वो कितनी दूरी पे है? बस जेस्ट ढेमुआ जेस्ट रौनाही ढेमुआ का जो ढेमुआ रोड है उसके बगल है, एकदम सड़क पे ही है।
हेलो हेलो लाइन पे बने रहिए सर, आपके लिए एम्बुलेंस सर्च किए जा रहे हैं। जी सर। यहाँ पर देखिएगा एम्बुलेंस आ चुका है, एक घंटा बताए थे, परफेक्ट एक घंटे में आ गए हैं। और यहाँ से पूछेंगे, सुई दवा तो हो गया, हम वीडियो पूरा दिखा नहीं पाए, और यहाँ से पूछेंगे सर ये बताइए इसके इलाज के बारे में, जो इलाज किया है क्या कमियाँ है इसके अंदर। इसको एक बीमारी चली है लंपी स्किन डिसीज। हाँ हाँ, इसमें बुखार रहता है तेज जानवर को। हाँ। और चारा छोड़ देता है, ये इसके रहते हैं। हाँ। और इसका इलाज चलता है 10 से 12 दिन चलता है इसका इलाज, प्रॉपर सुबह शाम इसको दवा खिलाना पड़ेगा। हाँ। तब ये जाके सही होगा। बीमार कुछ ज़्यादा दिख रहा है हमारे समझ से ये गाय, तो ये मिनिमम कब तक ठीक हो जाएगा? मिनिमम 10 से 12 दिन। 10-12 दिन सही हो जाएगा इसका। आप दो टेबलेट दिए थे, दो टेबलेट दिए थे, तो ये कई खुराक है? लोग कितने कितने टाइम खिलाना है इसे? सुबह शाम खिलाना है। सुबह शाम। और दो और दवा, और दवा बाकी जो दवा हमें पर नहीं लिख दे रहे हैं उसको बाहर से आप मेडिकल से मंगा लेना, नहीं तो हम लेके आएंगे तो हमारा पैसा लगेगा। जी। ये गवर्नमेंट से है तो गवर्नमेंट देना चाहिए ना, हम रुक जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे सप्लाई में अभी तक मिला नहीं है। कब तक आएगा? अभी कोई पता नहीं कब तक आएगा। ये दवा का कारखाना कब, मतलब कि कब बंद हुआ, कब ख़त्म हुआ है आपके पास, ख़त्म कब हुआ है? अभी इंजेक्शन है जो हमारे पास है, इंजेक्शन अभी चल रहा है, उसको हम लगा दिए हैं। तो इंजेक्शन लगा है मतलब कि फ़ायदा कितने देर में कर देगा ये? अभी एक घंटे में इसका असर दिखाई देगा। तो दवा तो खिलाना पड़ेगा ना? जो दवा तो आपने इंजेक्शन दे दिया, अभी नहीं खिलाना है इसको। हाँ। सुबह खिला देना इसको। तो मतलब कि अब दवा आपके पास है नहीं? हाँ, इस टाइम जो दवा थी हमारे, हम लोग को दे दिया उसको। आज ख़त्म हुआ है कि काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ है? नहीं, बाकी तो इसे ख़त्म हो गया था बोलस तो पहले ही। हाँ। इंजेक्शन था वो हमने लगा दिया। अच्छा। तो मतलब कि और जगह जाओगे तो ये भी बताओगे कि दवा ख़त्म हो गया है? हाँ, जो दवाई मतलब कि ख़त्म हो गया है, जैसे इंजेक्शन रहता है उसको हम देते हैं, लगा देते हैं उसको इंजेक्शन। बाकी का पहले से स्टॉक होना चाहिए ना? चलो चलो भैया, बस हो गया। तो दवा बताओ मतलब कि होना चाहिए आज? फ्रेम नहीं बढ़ती भैया, इलाज होता आपके मौके पहुँच के आपके पास इलाज होगा इसका। दवाई से बांटेंगे तो इसमें एक टाली तो दवाएं रखने पड़ेगा। और दवा होना चाहिए ना, आज आज एक जानवर बीमार है, आगे चल के एक और बीमार हो सकता है, इसके बारे में बताइए। ऐसा बता रहे हो, ऐसा यहाँ फ्री में ऐसे बांटेंगे तो फ्री में क्या है? फ्री वाला निशुल्क है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्या करेंगे? कब से नहीं है, कब से नहीं है? अरे वो कल खत्म हो गए। कल खत्म हुआ है? और इसका इलाज हम कराएंगे मनोतक नाते इसका हो गया मैं, ये देखिएगा यहाँ तो दवा ख़त्म हो गया है। अब इसके आगे जो केस आएगा या दवा कहाँ से लेके आएंगे? कल से दवा ख़त्म हुआ है, अभी तक दो दवा दिए हैं, दो खुराक बस दवा ख़त्म। ये देखिएगा ये दवा लिख के दे दिए, हम लेके आए अपने पैसा से, तो क्या मतलब है फ्री का? अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद।